शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। गोली चलाइए इस पर। बता दो भाई, मैं पूरा बता दो। कौन है तुम्हारा बॉस? बताओ कौन है वो? अब ना अपन लोगों में से किसी ने भी ना उनका थोबड़ा नहीं देखे लाए भाई, खाली आवाज ही सुनी ली है। अब पता नहीं वो कौन है। वो खाली अपने को कॉल पे बताता था कि चोरी कहाँ कैसा करने का है। अपन लोग वैसा ही करते थे। फोन नंबर क्या है उसका? उसका फोन नंबर बताओ। मैं बताता हूँ भाई। 7 6 5 1 1 सॉरी कुणाल, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें कितना गलत समझाना। आई एम सो सॉरी। गलत तो मैं था आरती, जिसने इतना प्यार करने वाली पत्नी पे हाथ उठाया। मैं सजा के ही लायक था। नहीं कुणाल, तुम सजा के लायक नहीं हो। तुम्हारी कोई गलती नहीं है। गलती तो वो श्रद्धा भाभी की है। उन्हें पति पत्नी के बीच में नहीं आना चाहिए था कुणाल। और सबसे ज्यादा गलती तो मेरी है कुणाल। मैं पागल हूँ जो उन्होंने मुझे बहकाया और मैं बहक भी गई। कुणाल, अब मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मैं सिर्फ तुम्हारे साथ रहूंगी, हमारे घर से बहुत दूर। अब मैं सिर्फ तुम्हारे साथ रहूंगी। आरती, मन तो मेरा भी बहुत है, लेकिन जेल जाने की वजह से मेरी नौकरी छूट गई और अब कोई मुझे दे नहीं रहा। तो कुणाल, तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो? हम दोनों है ना, हम दोनों मिलके कुछ ना कुछ कर लेंगे। नहीं आरती, मेरा मतलब मेरी वजह से मैं तुम्हें अब और तकलीफ नहीं दे सकता। मुझे कुछ दिन और दे दू, है ना, मैं सब ठीक कर दूंगा। ठीक है, बच गया, वरना ये तो मेरे सर पर नाचने को तैयार थी। छोड़ा ही आप उन्हें? किसे? अभय को। छोड़ने गई थी या मिलने गई थी उससे? नहीं, आपके मुंह से ना अब बस झूठ सुनाई देता है। कब तक बचाती रहेंगी उस मुजरिम को? एक बात समझ ले कीर्ति, अभय मुजरिम नहीं है। कब से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जिसे आप अपना पति समझती हैं वो अब एक बहुत बड़ा चोर बन चुका है। एक पुलिस ऑफिसर पे गोली चलाई है उसने। हमें समझ नहीं आ रहा है कि आपको समझ नहीं आ रहा है या आप समझना ही नहीं चाहती। और तू इस बात को कब समझेगी कीर्ति कि अभय ने कोई गलत काम नहीं किया है? और मैं भी तुझे ये बात कब से समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि अभय कभी ऐसा गलत काम नहीं कर सकते। अपने पति पर खुद से ज्यादा भरोसा करती हूँ मैं। अब या तो तू ये बात खुद मान ले या फिर बार बार अपनी ये कहानी दोहराना बंद कर। अभी तक उसके भरोसे की पट्टी आप बांध के घूम रही है ना अपने आंखों पे। जिस दिन ये पट्टी खुलेगी ना आपको पछतावा होगा। और अभय को बचाने के जुर्म में आप भी जेल जा सकती हैं। जब तेरे इन आंखों से अहंकार की पट्टी हटेगी ना, उस दिन तुझे पता चलेगा कि अभय ने कुछ नहीं किया है। और तब ना मुझे कुछ होगा और ना अभय को। वैसे तू तो पुलिस में है ना, तो घूम फिर के तेरा शक सिर्फ एक ही आदमी पर क्यों जाता है? तुझे कोई और नजर नहीं आता? किसी और में तुझे मुजरिम नजर नहीं आता? या फिर यूं कह लो कि तू उसे ढूंढना नहीं चाहती। कहना क्या चाहती हैं आप? अभय के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने में तो तूने अपनी जान लगा दी, लेकिन एक बार अपने घर में तूने पलट कर नहीं देखा। वरुण जी से पूछने की कोशिश नहीं की तूने? शायद कोई सबूत वहां भी मिल जाता। बस अभय को बचाने के लिए आप वरुण जी को बीच में लेकर आ रही है ना? मैंने तेरे ही शक की दिमाग से सीखा है।
हर वक्त अपनी आंखें खुली रखना। बताना कीर्ति, वरुण जी तो तुझे इतने महंगे तोहफे देते हैं, कहां से आते हैं वो सब? इतने महंगे जेवर, ये हीरे की अंगूठी, महंगे कपड़े, महंगे चप्पल, इतने पैसे, ये सब कहां से आया उनके पास? बस, वरुण जी के खिलाफ अब हम एक और शब्द नहीं सुनेंगे। शर्म नहीं आ रही आपको हमारे पति पर इतना घटिया बेबुनियाद इल्जाम लगाते हुए? मैं तुझे तेरी ही भाषा में जवाब दे रही हूँ, तुझे सिर्फ सच्चाई दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। और तू खुद ही जरा सोच ना, वरुण जी की तनख्वाह इतनी ज्यादा तो है नहीं कि वो ये सब कुछ खरीद सके। वाह, अब आप ये कह रही हैं कि हमारे पति रिश्वत लेते हैं। बात घुमाना ना आप बखूबी सीख गई। हम जा रहे हैं पुलिस स्टेशन अभय को पकड़ने की तैयारी करने। और आपके जो ये सवाल है ना वरुण जी के बारे में, जो आपने ये शौक पाला है हमसे पूछने का, जाइए सीधा सीधा जाके वरुण जी से पूछ लीजिए, आपको जवाब मिल जाएगा। ठीक है कीर्ति, अब मैं ये सच खुद वरुण जी से ही पूछूंगी। सिर्फ आप जानते हैं सर कि मैं आपके लिए काम कर रहा था। अब आपके डिपार्टमेंट वालों को कैसे समझाऊं कि मैं निर्दोष हूं सर? मैं आपके बिना ये नहीं कर पाऊंगा सर, प्लीज उठिए सर। सर उठिए, उठिए सर, उठिए और सबको बताइए कि मैं निर्दोष हूं सर। सर सर हमें असली बॉस को भी पकड़ना है और आपके बिना मैं नहीं कर पाऊंगा सर। उठिए सर। इतनी जल्दी इतने महंगे कपड़े और इतने पैसे कहां से आए वरुण जी? तुम मुझ पे शक कर रही हो श्रद्धा? अरे ये सब मैं कीर्ति के लिए अपनी मेहनत से लेके आया हूं। तुम तो जानती हो ना कि उसे ये सारी चीजें कितनी पसंद है। और वो पैसे जो आपने अभय को दिए वो कहां से है? उससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। क्यों, क्यों नहीं है? हम एक ही परिवार के हैं वरुण जी, कीर्ति मेरी बहन है, तो मेरा लेना देना कैसे नहीं हुआ? लगता है तुम अभय के लिए कुछ ज्यादा ही परेशान हो रही हो। सच में? तो फिर ये ओम के निशान वाला नोट, ये आपके पास मैंने आज से पहले तो नहीं देखा। और ऐसे निशान के नोट एक खास आदमी के घर से चोरी हुए थे। मुझे चोर समझ रही हो? चोरी का इल्जाम लगा रही हो मुझ पे? अरे पागल हो गई हो क्या? ये तो क्यों, उनके निशान वाले नोट तो मेरे ऑफिस में कितने आते, वो भी तो हो सकते हैं ना। देखो अभय की वजह से तुम बहुत परेशान हो गई हो, इसलिए फूल जलूल बातें कर रही हो, मैं समझ सकता हूँ। इसलिए मैं इस बात पे तुम्हारे साथ कोई बहस नहीं करना चाहता, समझी? उन लोगों में से किसी ने भी ना उनका थोबड़ा नहीं देखे लाए भाई, खाली आवाज ही सुने ली। अब पता नहीं वो कौन है। उठाइए ना फोन,
बॉस। बोलिए ना वरुण जी, आप ही है ना पप्पर शेर गैंग के असली बॉस? और वो सारी चोरियां वो भी आप ही ने करवाई है ना? श्रद्धा, ये क्या क्या बकवास कर रही हो तुम? अब तो झूठ मत बोलिए, मैंने ये नंबर राजा से निकलवाया है। पप्पर शेर गैंग का आदमी, और जब मैंने इस नंबर पे डायल किया तो इस नंबर से आपका फोन बजा। श्रद्धा, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? ये मेरे ऑफिस का फोन है, वो वहीं से कोई कॉल होगा। ये देखो फिर आ रहा है, बॉस का फोन है। हेलो। हाँ बॉस, वो कंसाइनमेंट बस पहुंचने वाला है। हाँ हाँ, मैं बस वहीं आ रहा हूँ। ओके, देखा काम का फोन था मेरा, मुझे ऑफिस जाना है, बहुत जरूरी काम है। वरुण जी, इतनी जल्दी में आप क्यों हैं? वरुण जी, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया श्रद्धा, जो मुझ पे इल्जाम पे इल्जाम लगा जा रही हो तुम। तो मुझे बताइए ना, सच क्या है? अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो मुझसे लड़िए ना वरुण जी, साबित कीजिए ना वरुण जी कि मैं गलत हूँ। इस तरह से नजरें चुराकर क्यों बात कर रहे हैं आप मुझसे? इसलिए क्योंकि मैं तुम्हारे इस पागलपन को और बढ़ावा नहीं देना चाहता। अब सामने से हटो, मुझे बहुत जरूरी काम है। नहीं, अब आप सच से और नहीं भाग सकते वरुण जी। कहा है, पकड़ा तुम लोगों ने? मैडम वो क्या बोलो, पकड़ा उसे? मैडम वो भाग गया। भाग गया? इतना बड़ा हॉस्पिटल है आप लोगों का, तुम लोगों की सिक्योरिटी क्या कर रही थी? एक अकेले आदमी को नहीं पकड़ पाए, भाग गया। हेलो। हाँ वरुण जी, क्या? ठीक है, हम अभी आ रहे हैं। बोले वरुण जी, हम आ गए। क्या बात है? कीर्ति, मेरी स्वीटू, तुम्हें हमेशा मुझसे यही परेशानी रहती थी ना कि मैं तुम्हारे काम को नहीं समझता, तुम्हें अपनी ड्यूटी करने से रोकता हूँ। क्या बात है वरुण जी, आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि क्योंकि अभय को पकड़ने में मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। कैसे? मैं जानता हूँ कि अभय कहाँ है। कहाँ है वो बॉस, मुझे उस तक पहुंचना ही होगा, तभी मैं खुद को निर्दोष साबित कर पाऊंगा, वरना दुनिया वाले तो मुझे खा जाएंगे। अरे आ गई बिटिया रानी। मौसा जी, हम तो आप ही की राह देख रहे थे कब से, पर वो ना बहुत सारा काम आ गया तो हमें जाना पड़ा।
और अब हम बिल्कुल फ्री हैं, आराम से बातें करेंगे। हाँ हाँ, हम तो हार लिए तो आए हैं ये शहर में। वैसे गांव कहाँ है आपका? मिर्जापुर के लगे एक छोटा सा गांव है, हमरा जन वहाँ भाई रहे। पर मम्मी ने तो कुछ और ही नाम बताया था, वो क्या नाम था, बनारस की तरफ कुछ। वो बिटिया रानी आस पास है ना, तो तुम्हार अम्मा को लागे है, हम वहीं से हैं। मम्मी पापा को तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे ना? हाँ हाँ, उनका बिया हम ही तो कराए थे। अरे हाँ मौसा जी, तो बताइए ना कि मम्मी पापा कैसे मिले, उनकी शादी कैसे हुई, सब बताइए ना हमें, आप तो अच्छे से जानते होंगे। कैसे आप मौसा जी, इतनी ठंडी में आपको इतना पसीना क्यों आ रहा है? लगता है आपका बीपी डाउन हो गया होगा, है ना? हम पानी लेकर आते हैं। हाँ बढ़िया। ये क्या किया? तुम्हारा असली चेहरा सामने लाए अभय त्रिपाठी। कीर्ति! नहीं, आप बीच में नहीं आइएगा, वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा। बुरा तो हो चुका है कीर्ति, तू अभय का असली चेहरा तो सामने ले आई, मगर अफसोस असली गुनहगार को तू अभी तक नहीं पकड़ पाई है। चल मेरे साथ। आप इस तरह का दोगलापन करेंगी, हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। सच्चाई और ईमानदारी की पूजा करती थी ना, लेकिन अपने पति के जुर्म को छुपाने के लिए अपने सारे आदर्श भूल गई। मैं आज भी सच्चाई को ही मानती हूँ कीर्ति, और आज मैंने जो कुछ भी किया है ना, उस सच्चाई को बचाने के लिए ही किया है। एक मुजरिम को भेष बदलवा कर अपने घर में छुपाया, वो आपके लिए सही था। अभय को बार बार मुजरिम कहना बंद कर कीर्ति, वो निर्दोष है। ये फैसला आप नहीं करेंगी, और इतना ही विश्वास था तो कर देती ना अपने पति को पुलिस के हवाले। कानून पे भरोसा ना करके गुनेगार को छुपाने का गुनाह क्यों किया? अरे आपने तो मम्मी को भी नहीं छोड़, मम्मी को भी ढकेल दिया इस रास्ते में। मम्मी हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? क्योंकि मम्मी ये जानती कि तेरे अभय पे लगाए हुए सारे इल्जाम वो गलत हैं। आपको तो सब पता है ना, आप एक काम करिए ना, आप ही हमें बता दीजिए कि ये सारी चोरियां कौन कर रहा था, बता दीजिए कि मासूमों को चोट कौन पहुंचा रहा है, आप ही बता दीजिए कि कमिश्नर सर पे गोली किसने चलाई। कीर्ति, अगर मैं तुझे सच्चाई बताने पर आ गई ना, तो सच कह रही हूँ, तू सच को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। अरे बर्दाश्त तो आपका पागलपन हम सबसे कर रहे हैं। आप ही बताइए, आपके हिसाब से असली गुनहगार कौन है? कौन है? सच जानना है ना तुझे, तो सुन, बब्बर शेर गैंग के असली बॉस और कोई नहीं,
वरुण जी है। वो वरुण जी ही है जिनकी वजह से इतनी सारी चोरियां हुई। उस गैंग का असली मास्टरमाइंड वो कोई नहीं, वरुण जी है। जनता त्रिपाठी, हमारे पति के खिलाफ एक और शब्द नहीं। देखी अभी तक आपका अभय के लिए जो पागलपन, उसे हम नजरअंदाज करते हैं, पर अब ना आप हमारे नजर में गिर चुकी हैं। हम अभय के पीछे इस वजह से आप हमारे पति पे इल्जाम लगा रही हैं ना? तो मेरे बारे में ऐसा सोचती है कीर्ति? ये मुझे नहीं पता था। तुझे जब ये बात पता चली कि अभय ने चोरियां की हैं, तो तूने उसी बात को सच मानकर उन्हें सजा दिलवाना चाहा। क्यों? क्योंकि तुझे उस वक्त यही सच लगा। अब एक सच्चाई मैं तेरे सामने रख रही हूँ, ये सारी चोरियां वरुण जी ने की, और सिर्फ इतना ही नहीं, खुद को बचाने के लिए कमिश्नर सर पे गोली भी चलवाई। आपके ये सारे इल्जाम बेबुनियाद और हम नहीं मानते। मेरे बात पर यकीन नहीं है ना? ठीक है, तुझमें इतनी हिम्मत है तो जा, जा और जाकर पूछ वरुण जी से कि आखिर सच्चाई क्या है। वरुण असली चोर है, इसका मतलब उसी ने अभय को फंसाया। ये बात तो इस प्यार भरे परिवार की नींव हिला देगी। अब तुम देखना श्रद्धा, जैसे तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारी पूरी दुनिया गिराती हूं, बस एक छोटे से सच के साथ। कीर्ति, तुम अभय को गिरफ्तार करने वाली हो? आप हमारी कसम खा के कहीं कि आप बब्बर शेर गैंग के असली बॉस नहीं हैं। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? और ये सब तुम्हें किसने बोला है? उस श्रद्धा ने ना? वरुण जी, मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ, जवाब दीजिए मुझे। मैं आपसे कुछ हूँ मैं चोर? किस्मत से टकराती उलझी लकीरों को सुलझाती श्रद्धा की कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शेमारू उमंग।